Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। लाभ और हानि की हम पहले 6 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें बहुत सारे टाइप प्रॉफिट एंड लॉस के हम स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में लाभ और हानि का एक और नया टाइप पढ़ेंगे। ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ये टाइप में क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से जल्दी जल्दी होंगे, फास्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज शॉर्ट होगी और उसमें बीच में बस कॉन्सेप्ट होगा। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए, यूपी के स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास को प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चनों में क्या होता है, उन क्वेश्चनों में क्या होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ने वाले उन पर, तो पहले बस समझ लो, आप जो मैं बोलूं उसको समझना। क्वेश्चन बेटा अभी आपको नहीं दिखेगा, जो मैं मुंह से बोलूं उस चीज को सुनना, और जो बोर्ड पर आप मैं जो लिख रहा हूं उसको आपको देखना है। आज की क्लास का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होगा, आज की क्लास के कंसेप्ट में जो आर्टिकल है उनकी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस सेम होंगी। दो कंडीशन बनती हैं, इसमें दो कंडीशन बनती हैं। वो लैंग्वेज में कहता है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को मान के चलो 500 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब दो आर्टिकल हैं, दोनों को 500-500 में बेचा जा रहा है, या वो कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया। ये दो लैंग्वेज आज की क्लास में, दो लैंग्वेज है, उन दोनों लैंग्वेजों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको समझना है। तो जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में पहले आपको एक लाइन दे दी होगी कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 749 में बेचता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों आर्टिकलों को सेम प्राइस पर सेल किया जा रहा है। या इसी लाइन को वो ऐसे कह सकता है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तो बात दोनों ही लैंग्वेजों की सेम है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में परफेक्ट मान का प्रयोग केवल तब करेंगे जब हमें आंसर में परफेक्ट में पूछा होगा, अगर परसेंटेज में पूछा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहां पर आज के क्वेश्चनों में क्या होगा, वो किन्हीं भी दो आर्टिकलों का कोई भी दो आर्टिकलों की बात करेगा और उन दोनों आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस को सेम देने की बात करेगा। दो आर्टिकल्स की बात करेगा और दोनों आर्टिकलों के एसपी को, दोनों आर्टिकलों के एसपी को, भाई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में एसपी कहते हैं, बता चुका हूं, एसपी को सेम कहने की बात करेगा कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों आर्टिकलों पर आपको ट्रांजैक्शन का उसने रिजल्ट दिया होगा। जैसे उसने कहा कि पहले आर्टिकल को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वाले आर्टिकल को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए कुल ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई। एक तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन में बेटा मुंह से बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझे। अभी क्वेश्चन बोर्ड पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी लगवाया नहीं है, मैं पहले आपको चीजें समझा दूं फिर क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो क्या होगा बेटा, इन क्वेश्चनों में दो आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस आपको सेम दिए होंगे लैंग्वेज के अनुसार, उसके बाद पहले वाले आर्टिकल पर होने वाला लाभ दिया होगा या दूसरे वाले आर्टिकल पर भी होने वाला लाभ या हानि दिया होगा, उसके बाद आपसे कहेगा पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये बताइए। तो यहां पर आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट भी इसका शॉर्टकट क्वेश्चनों के जरिए बता दूंगा। पहले बेसिक चीज समझेंगे, पहले वाले आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचा गया, तो मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए 10% लाभ का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 10% लाभ का फ्रैक्शन बनेगा 11/10, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, लाभ के केस में उसके जोड़कर लिखते हैं 10 और 1 11 और नीचे 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 जो है, नीचे 10 हो जाएगा पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ऊपर जो 11 है वो क्या हो जाएगा पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये वाला जो है पहले वाले आर्टिकल का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये वाले पहले वाले आर्टिकल का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब मैं आपसे दूसरे वाले आर्टिकल की बात करता हूं, जैसे उसने कहा कि एक आर्टिकल पर 10% लाभ हुआ, दूसरे वाले आर्टिकल पर 10% हानि हुई, तो अगर मैं इसके ट्रांजेक्शन की बात करूं तो आपसे मैं कहूं कि बताइए बेटा कि 10% हानि का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर
सर 9/10 बनेगा, जिसमें 9 जो है वो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा और जिसमें 10 जो है वो आर्टिकल का क्रय मूल्य होगा। अब उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने, मैंने कहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये कहेगा कि दोनों आर्टिकलों के विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहां पर पहले वाले आर्टिकल का विक्रय मूल्य 11 आ रहा है और यहां पर 9 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आर्टिकलों के विक्रय मूल्य अगर उसने समान कहा है तो समान होने चाहिए, तो आर्टिकलों के विक्रय मूल्य अगर समान नहीं है तो समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 99 हो जाएगा और इसमें अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 99 हो जाएगा। अब एसपी सेम हो गए, जब 9 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो 9 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा और 11 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो 11 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। बात को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे तो यहां पर देखेंगे आप, पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 99, दूसरे वाले आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 99। अब क्या है वो होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट पूछेगा। होल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, पूरे व्यापार का परिणाम आपसे पूछेगा और पूरे व्यापार का परिणाम होता है दोनों आर्टिकलों का कुल एसपी और दोनों आर्टिकलों का कुल सीपी। दोनों आर्टिकलों का कुल क्रय मूल्य कितना है, दोनों आर्टिकलों का कुल विक्रय मूल्य कितना है, अगर हमें यह बात पता लग जाए तो कुल व्यापार पर होने वाला लाभ या हानि निकाल देंगे। फिर आप कहेंगे सर ये 10% और 10% क्या है, ये पहले वाले आर्टिकल पर होने वाला लाभ है, ये पहले वाले आर्टिकल पर होने वाली हानि है। लेकिन अब बाद में जब आपसे पूछेगा तो पूछेगा टोटल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट बताइए, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए दोनों वस्तुओं का कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे कि सर 90 कॉस्ट प्राइस तो इस आर्टिकल का बन रहा है, 9 मल्टीप्लाई 10 90 बन रहा है, और 110 जो कॉस्ट प्राइस है वो इस आर्टिकल का बन रहा है, दोनों का टोटल निकालेंगे तो 90 और 110 को ऐड कर देंगे, सर टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकलों का 200 रेशियो बन रहा है। रुपए की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो में बात चल रही है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो इसका भी 99 है, इसका भी 99 है, इसका मतलब दोनों आर्टिकलों के टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो 99 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 198 हो गया। अब बताइए आप कुल ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ या हानि, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य है 200, सेलिंग प्राइस है 198, मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है तो सर इसमें लॉस होगी, हानि होगा, और हानि परसेंट निकालते तो हानि कितने की हुई, तो 200 में से 198 को माइनस करेंगे 2 की हानि हुई, कितने पर हुई, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं तो 200 पर कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा -1%, मतलब 1% लॉस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी वो मैं आपको बता दूं, दो आर्टिकलों को समान मूल्य पर बेचा गया, ऐसे कहेगा पहले भी आर्टिकल पर 10% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 10% हानि होती है, तो बताइए कुल व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई। ऐसे ही वो ये कह सकता है कि दो आर्टिकलों में से प्रत्येक को 749 में बेचा गया, दोनों लैंग्वेजों की बात सेम है, सेम प्राइस में बेचा जाएगा, आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, तो 749 हो चाहे 100 हो, या वो कह दे कि विक्रय मूल्य समान है, तीनों ही लैंग्वेजों की बात जो है सेम है। बेटा जो मैंने ये बात समझाई है आपको समझ में आई, आज की क्लास में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकलों के समान होंगे, दोनों पर आपको अलग अलग रिजल्ट दिया होगा, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बात समझाई कि पहले वाले आर्टिकल का रिजल्ट ये है, दूसरे वाले आर्टिकल की हानि का रिजल्ट ये है, लेकिन वो आपसे कुल व्यापार में लाभ और हानि पूछेगा तो उसके लिए दोनों आर्टिकलों का सीपी और दोनों आर्टिकलों का एसपी। अब हम आज की क्लास के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जिससे ये वाली बात और बेहतर तरीके से हमारे समझ में आए, ठीक है। इस बात को ना भूलें बेटा, इस बात को ना भूलें कि सेलिंग प्राइस सेम हो तभी ऐसा करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेम होगा वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो बिल्कुल जो मैंने कंसेप्ट समझाया उसी से क्वेश्चन को मैच करना, आंसर आप खुद बताओगे। देखो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 8499 में बेचा जाता है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 8499 में बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहली वस्तु को भी 8499 बेचा जा रहा है, दूसरी वस्तु को भी 8499 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब दोनों के एसपी समान है। फिर देखो आगे क्वेश्चन को, पहले को 10% लाभ
और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आप कहेंगे सर 1% हानि। अभी मैंने पीछे कंसेप्ट में आपको यही चीज बताई और सेम क्वेश्चन पहला है, तो आप इसका आंसर कर देंगे सीधा 1% हानि। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, तो कैसा करना है आपको, देखो मैं आपको अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो सेम क्वेश्चन यही था, बस यहां पर क्या डिफरेंस है उस बात को समझ लेंगे, पहला क्वेश्चन समझेंगे। उसने कहा कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 8,499 में बेचा जाता है, इसका मतलब यह है कि पहले वाले आर्टिकल का विक्रय मूल्य भी 8,499 है और दूसरे वाले आर्टिकल का विक्रय मूल्य भी 8,499 है, मतलब सेम है दोनों आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस। आपको इस 8,499 से कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान देना है इस चीज पर कि दोनों आर्टिकलों के विक्रय मूल्य समान है। बस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन को आपको शॉर्ट से शॉर्ट कैसे करना है, जब दोनों परसेंटेज समान हो, जैसे पहले वाले आर्टिकल पर 10% का लाभ हो रहा है, ये फर्स्ट आर्टिकल पर हो रहा है 10% का लाभ, और सेकंड आर्टिकल पर 10% की हानि हो रही है, जब ये दोनों परसेंटेज समान हो, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, जब ये दोनों परसेंटेज समान हो और एक पर लाभ हो एक पर हो हानि, तो उस केस में आपको क्या करना है, केवल इस वाले नंबर का जो परसेंटेज दिया है एक्स परसेंट दिया है मान के चलो, उसका स्क्वायर करके बस 100 से भाग दे देना है, स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है। और ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात इसलिए बता रहा हूं, वैसे ये 10 10 20 20 अभी सारी चीजें समझा देंगे, पहले ये बात समझो, पहले इतनी सी बात समझो कि जब कभी भी दो आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस समान है और पहले वाले आर्टिकल को जितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है दूसरे वाले आर्टिकल को उतनी, कहां ये चीज लगेगी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको क्वेश्चन को करा देता 1% हानि, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते, मतलब एक टीचर का काम होता है बच्चे को परेशानी से निकालना, मैं आपको परेशानी में और डाल देता, लेकिन मैं आपको परेशानी में नहीं डालूंगा, चिंता मत करो बेटा, निकालने के लिए आया हूं, डालने के लिए नहीं आया। यहां पर ये जो चीजें हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया 1% लॉस बस, अब बच्चा लगा है ऐसा कैसे होगा, अगर वो उसको समझ नहीं पाया तो वो फिर उसको रटने की कोशिश करेगा, और रटने की कोशिश करेगा तो एग्जाम में जाके सब ब्लैंक हो जाएगा, तो इसलिए आप चीजों को समझ के चलें। तो पहले वाले आर्टिकल पर ये काम हम कहां करेंगे, एक बात तो ये काम हम वहां करेंगे जहां पर दोनों परसेंटेज समान हो, अगर दोनों परसेंटेज अलग होंगे तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, एक पर होने वाला लाभ हो दूसरे पर होने वाली हानि हो, ये चीज दो अगर मैच कर रही है तो आप ऐसे ऑफ कोर्स क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां से कैसे करेंगे, जितने परसेंट लाभ या हानि है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में देखेंगे तो 10% दिया है, दोनों सेम है, सर ने बताया था दोनों सेम होने चाहिए तो दोनों सेम ही है, उसके अलावा एक लाभ है एक हानि है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं 10 का स्क्वायर करके बस 100 से भाग दे दूंगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 1%। अब हमेशा ऑलवेज लॉस ही होगा, कभी भी यहां पर लाभ नहीं होगा, कभी भी यहां पर लाभ नहीं होगा। जो हमने पीछे कुछ परसेंटेज में क्वेश्चन पढ़े हैं कि एक संख्या को 10% से बढ़ाया गया फिर 10% से कम किया गया, तो वहां पर भी यही वाली बात थी कि नहीं, कि 1% लॉस, तो 1% वहां हमेशा कमी आती थी, ऐसे लाभ हानि में हमेशा यहां पर लॉस आएगा। तो जब कभी भी प्यारे विद्यार्थियों दोनों आर्टिकलों के विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, पहले पर होने वाला लाभ परसेंट दूसरे पर होने वाले हानि परसेंट के समान हो, तो उस परसेंटेज का स्क्वायर करके 100 से भाग देना है, उतने परसेंट की हमेशा हमेशा हानि होगी, ये ध्यान रखें, कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि होगी, ऑलवेज लॉस होगा। जैसे परसेंटेज में कमी आती थी वैसे ही यहां पर हमेशा हानि होगी, और करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं 2-4 क्वेश्चन और आपको यहीं पे बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1% लॉस। पीछे आपको बेसिक से बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट में मैंने इसका बेसिक बता दिया, बिल्कुल बेसिक बता दिया, ठीक है। अब ये शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि उस परसेंटेज का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, आगे बात समझेंगे और बातें समझेंगे यहीं पर आप और बातें समझेंगे। एक बेटा ये टेबल है, एक ये टेबल है आपके लिए,
इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित। तो ये टेबल आप नोट कर लेंगे, ये टेबल आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं भाई। इनकी पहचान क्या है? सेलिंग प्राइस एसपी दोनों आर्टिकलों के सेम होंगे, एसपी सेम हो और परसेंटेज भी सेम हो, मतलब एक को एक्स परसेंट की हानि पर बेचा, लाभ पर बेचा जाए और दूसरे वाले को एक्स परसेंट के हानि पर बेचा जाए। तो इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, मैंने बताया था जो परसेंट है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देते हैं और रिजल्ट हमेशा माइनस, माइनस का मतलब हमेशा लॉस होगा। ये आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके यहां जो ज्यादातर एग्जामों में आते हैं, पुलिस बैंक, पुलिस के लिए और स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। यहां पर देखो एग्जांपल देखेंगे भैया, एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान के चलो एक आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचा गया और दूसरे आर्टिकल को 10% की हानि पर बेचा गया, तो इसका आंसर अगर हम करेंगे, देखो आंसर मैं इधर लिख देता हूं, सीधा आंसर करूंगा मैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 और 10 100 को 100 से भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 1% लॉस। तो जब कभी भी ये परसेंटेज सेम हो तो स्क्वायर करके बस 100 से भाग दे देना है, ये ध्यान रखना है। और देखो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलो पहले वाली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी वाली वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया, तो उस केस में आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 20। आप चाहें तो जब ये अगर जीरो ना, जैसे 10 20 30 हो, तो बस 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, उतने परसेंट का लॉस होगा, तो इसका आंसर आएगा 4% का लॉस हानि। ऐसे ही मान के चलो उसने कहा पहले वाले आर्टिकल को 30% लाभ पर, दूसरे वाले आर्टिकल को 30% की हानि पर बेचा गया, तो बताइए रिजल्ट, तो आप कहेंगे सर 3 × 3 9% का लॉस, हमेशा हानि ही आएगी, कभी भी लाभ नहीं आएगा। ऐसे ही मान के चलो 40% का एक वस्तु पर प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर 40% की हानि, तो इसके आगे करेंगे तो ये 4 × 4 16% का लॉस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम ऐसे, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो इस व्यापार में हमेशा हानि होगी, कितने परसेंट की, 2 × 2 = 4% की, क्यों, क्योंकि 20 × 20 करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, केवल 2 × 2 बचता है। जैसे जैसे मान के चलो मैं आपको एक और बता देता हूं, जैसे 60% एक आर्टिकल पर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पर 60% हानि हो रही है, तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा 36% लॉस। डायरेक्ट आंसर करना है भाई, समय बचाना है, जिस चीज में, जिस क्वेश्चन में हमारा समय बच सकता है वहां से समय को बचा के जिस क्वेश्चन में नहीं बच सकता उसमें लगाना है, तो यहां टाइम वेस्ट नहीं करना, यहां सीधा आंसर करना है। कैसे किया मैंने, ये मैंने किया 60² / 100, तो मैंने क्या किया, ये स्क्वायर था तो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 और बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस वजह से ये 36% हमारा आंसर आया। तो ऐसे शॉर्टकट कर देंगे हम, कब, जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकलों के समान हो और पहले वाले पर लाभ परसेंट, दूसरे वाले पर हानि परसेंट के समान हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे इस कांसेप्ट में चीजें बदलेंगी, उनको आगे देखते हैं। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एक घर और एक दुकान में से प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया, मकान पर 10% की हानि हुई और दुकान पर 10% लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है, पूरे सौदे का परिणाम क्या है, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में से प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया, देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसने कहा कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, मकान और दुकान दोनों को 2 लाख में, इसका मतलब अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मकान का भी 2 लाख होगा, और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं दूसरी चीज जो है, जैसे मकान को मैं एम मान लेता हूं, मान के चलो ये मकान का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ दुकान उसको मैं डी से मान लेता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ भैया दुकान डी से मान लेता हूं, उसका भी कितना होगा, 2 लाख। उसने स्पष्ट कहा है दोनों मकान और दुकान में से प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मकान को 10% लाभ पर, देखना बात को भैया, मकान को 10% के लाभ पर और दुकान को 10% की हानि पर, हानि का मतलब माइनस,
और ये जो है 10% लाभ मकान पे हो चाहे दुकान पे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस दोनों के समान है, एक पर लाभ है एक पर हानि है, परसेंटेज भी सेम है। तो यहां से होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट तो मुझे सीधा मिल गया, होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट मिल गया, मैं यहां से सीधा कर दूंगा कि 1% की हानि होगी इस टोटल ट्रांजैक्शन में। कैसे कैसे किया वो मुझे पता है, 10 × 10 10² / 100, तो ये कैंसिल हो गया, सीधा 1% हमारा लॉस जो है आंसर हो गया इसका, ये होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आ गया, होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आ गया। पूरे व्यापार में 1% की हानि होगी, लेकिन यहां पर उसने क्या पूछा है हमसे, उसने हमसे कहा है कि पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, नो प्रॉफिट नो गेन लॉस ऑफ 5/66 लाख। मतलब हमें परफेक्ट में आंसर करना है भाई, हमें यहां पर आंसर परफेक्ट में करना है, परसेंटेज में नहीं करना। अगर परसेंटेज में उसने कहा होता तो मैं सीधा सीधा 1% हानि इस क्वेश्चन का आंसर कर देता। जब ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है ना बेटा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, A B C D, और इसमें ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसे दिया होता है 1% की हानि, और बी ऑप्शन पे दिया होगा उतने ही परसेंट, 1% का लाभ, ऐसे इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होते हैं। तो कभी भी आपको लाभ आंसर नहीं करना, हमेशा हानि आंसर करनी है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं सेलिंग प्राइस समान वाले, उन सब में हमने परसेंटेज में आंसर किया, लेकिन यहां पर उसने आंसर हमसे परफेक्ट में पूछा है कि बताइए कितने लाख रुपए की हानि हुई। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये होल ट्रांजेक्शन में होने वाली हानि है, तो होल ट्रांजेक्शन में होने वाली हानि है 1%, तो इसका फ्रैक्शन मान लिखूंगा मैं, तो कितनी हो जाएगी 1/100, लेकिन इसके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99/100, तो 1% हानि का फ्रैक्शन भैया यही तो बनेगा। 1% हानि के फ्रैक्शन की अगर हम बात करूं तो कितना बनेगा, 99/100 बनेगा। ऊपर तो आएगा टोटल सेलिंग प्राइस। अब आप कहेंगे सर टोटल सेलिंग प्राइस क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये जो 1% हानि है ये कुल व्यापार का रिजल्ट है, मकान और दुकान दोनों को बेचने के बाद होने वाली हानि है, इसलिए टोटल सेलिंग प्राइस आएगा, और नीचे आएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे का ये जो रिजल्ट है 1% हानि जो है ना, ये 1% हानि मकान और दुकान दोनों को बेचने पर है, इसका मतलब ये जब टोटल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है तो यहां भी टोटल सीपी और टोटल एसपी आएगा। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ये अलग अलग 10% लाभ और 10% हानि, ये अलग अलग है, लेकिन ये जो है होल ट्रांजैक्शन पर। अब इसके बाद बताइए आपको कुल विक्रय मूल्य पता है या कुल क्रय मूल्य पता है, तो आप कहेंगे सर मकान को भी 2 लाख रुपए में बेचा गया है और दुकान को भी 2 लाख रुपए में बेचा गया है, मतलब मुझे टोटल एसपी पता करना होगा, तो 2 लाख और 2 लाख को जोड़ दूंगा, 4 लाख जो है टोटल एसपी हो जाएगा, तो टोटल एसपी का रेशियो कितना है, 99, तो 99 की वैल्यू बराबर है 4 लाख के, तो यहां से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 upon 99 lakh, और 1 का मान जो है वही इस ट्रांजैक्शन में होने वाली हानि है। देखो टोटल एसपी सीपी, तो हानि निकालेंगे तो कितनी की होगी, 1:1 की, तो 1:1 का जो मान है वही ट्रांजैक्शन में होने वाली हानि होगी, तो ट्रांजैक्शन में होने वाली हानि का आंसर हो जाएगा 4/99 लाख। कौन से ऑप्शन पे है, 4/99 लाख है आपका भाई सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आंसर आपसे परफेक्ट में पूछा हो, तो उस केस में पहला काम क्या है, पहला काम आपका होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट निकालना है, उसके बाद उससे बना लेना है एसपी सीपी का रेशियो, एसपी हमें दिया होता है, सीपी निकालना होगा तो सीपी निकाल देंगे, अगर हानि पूछी है तो सीधा हानि निकाल देंगे, 4/99 लाख की हानि होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, मकान पर 20% का हानि हुई, दुकान पर 20% लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है, ऑप्शन दिए हैं नो लॉस नो गेन, गेन ऑफ 1/24 लाख, लॉस ऑफ 1/18 लाख एंड लॉस ऑफ 1/12 लाख। मेरे कहने का मतलब ऑप्शन को जरूर देखना है, अगर ऑप्शन इसने हमसे परसेंटेज में पूछा होता तो परफेक्ट मान का हम यूज नहीं करते क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, लेकिन यहां पर उसने ऑप्शन दिए हैं परफेक्ट में, तो हमें परफेक्ट मान का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आज की क्लास के तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं और फिर बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है मकान और दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, इसका मतलब हमें टोटल एसपी चाहिए, मकान को भी 1 लाख में बेचा है, दुकान को भी 1 लाख में बेच रहा है, तो इसका मतलब टोटल एसपी 1 लाख, 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा,
तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भैया, 2 लाख हो जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा है मकान को 20% की हानि पर, तो एक पर हमें 20% का लॉस दिया जा रहा है और दूसरे वाले आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट हमें यहीं से पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों परसेंटेज सेम, एक पर लाभ एक पर हानि। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में अगर हम बात करें तो उसको 4% की हानि होगी। क्यों होगी ये बताने की जरूरत नहीं, पीछे बता चुका हूं। 4% लॉस का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4% लॉस का फ्रैक्शन बनेगा 24/25, तो नीचे तो आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, ऊपर आ जाएगा आपका टोटल सेलिंग प्राइस। क्यों आ जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है, पीछे बता चुका हूं। 25 रुपए की खरीद, 24 रेशियो की बिक्री, तो हानि हुई कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 1 की हुई। अब उसने हमें हानि परसेंटेज में पूछी होती तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता था 4% हानि पर, लेकिन उसने परसेंटेज में नहीं परफेक्ट में पूछी है। तो परफेक्ट के लिए टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस और लॉस में से कोई एक चीज हमको परफेक्ट में पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है टोटल एसपी 2 लाख, तो टोटल एसपी का कितना है रेशियो 24, 24 रेशियो की वैल्यू हमें बराबर दी है उसने 2 लाख रुपीज के, 2 लाख रुपए के बराबर दी है। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 2/24, 2/24 का मतलब हो गया 1/12 लाख, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/12 लाख की हानि। 1/12 लाख कौन से ऑप्शन पे है? तो लॉस ऑफ 1/12 लाख डी ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहां पर हमें आंसर परफेक्ट में पूछा जाता था तो उसमें और स्टेप एक आगे बढ़ जाता है। आपको कभी कभी विद्यार्थियों को ये डाउट होता है कि सर जो सेलिंग प्राइस इसके बराबर आपने 2 लाख के क्यों रखा, उसने तो 1 लाख दिया है, 1 लाख एक वस्तु का दिया है, लेकिन जो 4% जो लॉस है ये होल ट्रांजेक्शन का है, मतलब मकान और दुकान दोनों पर मिलाकर है। तो ये कुल विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का, ये दोनों क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है ये भी दोनों वस्तुओं का कंबाइंड है और हानि दोनों वस्तुओं पर होने वाली है, इस वजह से यहां पर 2 लाख के बराबर रखते हैं। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 1/12 लाख रुपए की हानि। ठीक है, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 4th क्वेश्चन। आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। श्रीमान एक्स ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी, इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% लाभ हुआ, दूसरी पेंटिंग पर उन्हें 25% हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोनों पेंटिंगों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है 20,000 में प्रत्येक को, एक पर होने वाला लाभ 25% है, एक पर होने वाली हानि 25% है, कुल ट्रांजेक्शन में लाभ हानि पूछा है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसने बोला ही लॉस्ट मोर देन आरएस 2700, मतलब उसे हानि हुई 2700 से ज्यादा की। मेरे कहने का मतलब ऑप्शन से हमें ये पता चलेगा कि हमें आंसर परसेंट में पूछा है कि परफेक्ट में, और ऊपर भी देखो आप लैंग्वेज से ही पता लगेगा कुल हानि या लाभ क्या होगा। अगर परसेंट में पूछा होता तो ये कहता कि तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इस बात से क्या फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क ये पड़ता है कि जब परसेंटेज में आंसर पूछा होगा तो परसेंट में आंसर करेंगे, और जब परफेक्ट में पूछा होगा तो परफेक्ट वैल्यू जो ऊपर दी है उसका हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज में पूछा है तो उसका कोई भी यूज नहीं होता है। तो अब देखो आज की क्लास के 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो भाई यहां पर जो परफेक्ट वैल्यू दी है उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज होगा। तो उसने कहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 में बेचा गया, तो सबसे पहले तो टोटल एसपी निकाल लो, दोनों आर्टिकलों का टोटल एसपी कितना होगा, तो दोनों आर्टिकलों का टोटल एसपी 20,000 और 20,000, तो टोटल एसपी हो जाएगा हमारा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए दोनों आर्टिकलों का टोटल एसपी हो गया, उनमें से दोनों आर्टिकलों में से एक को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो पहले वाले को 25% लाभ पर बेचा जाएगा, एक आर्टिकल को 25% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो दूसरे वाले आर्टिकल को 25% लॉस पर बेचा जाएगा। देखो दोनों परसेंटेज समान है कि नहीं है, एक लाभ और एक हानि है कि नहीं है, इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में हानि होगी। कितने की हानि होगी तो वो निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पता है कि 25 का स्क्वायर/100 करना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यहां से हो जाएगा 6.25% लॉस। ये होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट हो गया। इसका मतलब
इस ट्रांजैक्शन में उसे 6.25% की हानि होगी। अगर उसने हमसे आंसर परसेंट में पूछा होता तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। बार बार जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ उस चीज का ध्यान रखना है, ये परसेंट सेम होने चाहिए। अगर परसेंट अलग होंगे तो जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बताया उसी तरीके से, बेसिक तरीके से हमें जाना पड़ेगा। इसलिए आपको ये भी समझ के चलना है कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करनी है। तो 6.25% का लॉस हो गया भैया, 6.25% का लॉस होगा इस ट्रांजेक्शन में। लेकिन उसने हमसे परसेंट में आंसर नहीं पूछा, उसने हमें परफेक्ट में आंसर पूछा है। जब परफेक्ट में आंसर पूछा है तो इसका फ्रैक्शन मान बना के सीपीएसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 6.25% का लॉस, 6.25% का लॉस की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे भैया, तो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/16। 6 से ही 1/4 कितना होता है, 1/16 होता है। तो यहां पर एक तो हो गया हानि, 16 हो गया टोटल सीपी। अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे सीधा तो 16 में से हानि को घटाएंगे 15/16, तो ये तो हो जाएगा टोटल एसपी दोनों आर्टिकलों का, ये हो जाएगा टोटल सीपी दोनों आर्टिकलों का। आपको एसपी दिया है या सीपी दिया है, तो आप कहेंगे कि सर हमें एसपी दिया है 40,000, तो कितने रेशियो की वैल्यू दी है, आप कहेंगे सर 15 रेशियो की वैल्यू हमें बराबर दी है 40,000 रुपए के। यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो वह आ जाएगा 40,000 और 15, जो एक रेशियो की वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू जो है वही ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होगा। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या है, हानि है, इसका मतलब इसमें लॉस होगा। कितना होगा, तो 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 8 बार, तो ये आ जाएगा आपका 8,000/3 का लॉस। 3 से इसको कैंसिल कर लो, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, बचेगा कितना 2 × 6 = 18, मतलब ऐसे आएगा कुछ, इतना रुपए का लॉस आएगा। अब देख लो ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन पे दिया है उसे लॉस हुआ 2700 से ज्यादा का, लेकिन ये 2700 कम है तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे पे ही लॉस्ट लेस देन 2700, उसे 2700 से कम की हानि हुई, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे आपको 3 क्वेश्चन कराए सेम टू सेम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 में बेचा जाता है, इसका मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस समान है और प्रत्येक का 1200 है। पहले को 8.5% हानि और दूसरे को 8.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो सीधा आंसर हमसे परसेंटेज में ही पूछा है भाई, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5वां क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम। ये मैं बार बार फोकस करके कह रहा हूं भाई, सेलिंग प्राइस सेम, इसके पीछे कोई बात है, इस बात को समझना। सेलिंग प्राइस सेम होगा तभी ऐसा होगा दोनों आर्टिकलों का। पहले को 8.5% हानि, इसमें दो आर्टिकल हैं जिसमें से एक को 8.5% लॉस पर बेचा जा रहा है, एक को 8.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब दोनों आर्टिकलों पर होने वाले लाभ हानि समान हैं, बिल्कुल हैं। एक हानि है एक लाभ है, तो बिल्कुल है, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में हानि होगी, लाभ तो हो ही नहीं सकता। कितने परसेंट का होगा ये निकालेंगे, तो कितने परसेंट का होगा, तो 8.5 × 8.5, क्योंकि स्क्वायर होता है, और डिवाइड बाई 100, बस यही हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको 100 को हटा लेते हैं, 2 पॉइंट हटा लेते हैं, तो नीचे एक और 100 आ जाएगा। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 8 7225/10,000, 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7225% का लॉस। लॉस का मतलब लॉस, तो आंसर आ जाएगा आपका ए, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर पीछे देखो ये 85 का स्क्वायर कैसे किया मैंने, जिस डिजिट में पीछे 5 हो, जैसे 85 का स्क्वायर करना है तो पहले इस अंक का 5 का स्क्वायर करो 25, फिर आगे वाले जो डिजिट है इससे एक आगे वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 8 से आगे कितना होता है 9 8 कितना हो गया 7225 सीधा गया। ऐसे मान के चलो हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 से आगे अंक कितना आता है 8 8 7 5625 हो जाएगा, ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया तो ये आंसर आ गया हमारा 0.0725%। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 6th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 घोड़े 17,468 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से खरीदता है, वह पहले घोड़े को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, तब कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ।
ये क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको बार बार फोकस करके पीछे वाले क्वेश्चनों में चीजें बता रहा था, सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, और दोनों परसेंटेज सेम, एक प्लस एक माइनस, तो उस केस में ही उस जो चीज है उसको अप्लाई करना है। अब यहां पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपके सामने भी क्वेश्चन लगा है, पढ़ के देख लें एक बार। और एक व्यक्ति दो घोड़ों में से प्रत्येक को 17,468 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदता है, खरीदता है, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस समान है, कॉस्ट प्राइस समान है, यहां पर कॉस्ट प्राइस समान है भाई सातवें छठवें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखेंगे आज की क्लास का सिक्स्थ क्वेश्चन। इसको मैं आपको बिल्कुल बात को धीरे धीरे समझाऊंगा, पूरा डिटेल में भाई इसको समझाना पड़ेगा। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, जब कभी भी दो आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस सेम हो, जैसे यहां पर उसने कहा है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, तो जब कभी भी दो आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस सेम हो, सेम का मतलब समान हो, और उसके बाद पहले वाले आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरे वाले आर्टिकल को 20% की हानि पर बेचा गया है, पहले वाले आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचा गया है, दूसरे वाले आर्टिकल को 20% हानि पर बेचा गया है, तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि वो इस बारीक सी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैं बार बार फोकस करके बता रहा था सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, वो इस चीज को नहीं देखेंगे, वो सीधा ये देखेंगे 20% लाभ 20% हानि, सर ने बताया सीधा आंसर हो गया 4% लॉस, और जबकि ये क्वेश्चन बेटा आपका हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि ये सर ने जब बताया था जब एसपी सेम हो न कि कॉस्ट प्राइस सेम हो, तो देखो अब देखो इस कॉस्ट प्राइस सेम है तो इस क्वेश्चन को हम पहले बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं, कंसेप्ट से कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो पहले वाले आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो पहले वाले आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन बनेगा 6/5, यह हो जाएगा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यह हो जाएगा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद दूसरे वाले को 20% हानि पर बेचा गया है, दूसरे वाले को 20% की हानि पर बेचा गया है, तो इसका मतलब -20%, और -20% का फ्रैक्शन बनेगा हमारा 4/5, ये हो जाएगा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद जैसे कंडीशन दिया उसको देखते हैं, कंडीशन क्या दी है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, तो यहां पर क्रय मूल्य 5, यहां पर क्रय मूल्य 5, इसका मतलब क्रय मूल्य समान है, तो रेशियो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं टोटल एसपी और टोटल सीपी, दोनों आर्टिकलों का टोटल एसपी कितना होगा और दोनों आर्टिकलों का टोटल सीपी कितना होगा, तो टोटल एसपी कितना होगा भैया, पहले का 6 और दूसरे का 4, तो 6 और 4 टोटल एसपी कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 10 हो गया। ऐसे ही टोटल सीपी की अगर हम बात करें तो टोटल सीपी कितना होगा, तो पहले का सीपी 5 और दूसरे का सीपी 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी 10, सीपी भी 10, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, इसका मतलब 0% लॉस और प्रॉफिट, मतलब इसका मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, इसका मतलब ये है कि जब सेलिंग प्राइस समान थे तो इसी क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा था 4% की हानि, और जब कॉस्ट प्राइस समान है तो उसी का रिजल्ट आ रहा है 0%, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बस यही बात समझने वाली है, जब दोनों आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस समान हो, पहले वाला लाभ और दूसरे वाले, पहले वाले पर होने वाला लाभ परसेंट दूसरे वाले पर होने वाले हानि परसेंट के समान हो, तो उस ट्रांजेक्शन का हमेशा आंसर आएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, जो ए ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सीपी समान होंगे तो न लाभ और न हानि, और जब एसपी समान होंगे तो उसके लिए मैं पहले आपको सारी बातें बता चुका हूं, उस तरीके से जो परसेंटेज दिया उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देना, और हमेशा उस केस में हानि होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इतनी सी बात आपको समझ में आई, चलें नेक्स्ट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। दो वाहनों में से प्रत्येक को 9,756 में बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस समान है, यदि एक वाहन को 44.44% लाभ पर और दूसरे भाग को 16.66% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करो।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सेवंथ क्वेश्चन, ये आपके लिए एक और नई चीज लेके आया है जो अभी तक मैंने पीछे आपको पढ़ाया है उससे और थोड़ी सी अलग चीज लेके आया है। पीछे मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक में सेलिंग प्राइस सेम, एक में क्रय मूल्य सेम, लेकिन दोनों बातों में मैंने आपको यह भी बताया है कि एक पर होने वाला लाभ परसेंट दूसरे पर होने वाले हानि परसेंट के समान होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप सेवंथ को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, और जब ऐसा डिफरेंस आए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। बोर्ड पर देखो बेटा, सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो वाहनों में से प्रत्येक को 9756 में बेचा गया, आंसर पूछा है प्रतिशत में, तो सेलिंग प्राइस सेम है, बस हमें ये पता करना है और हमें कुछ पता नहीं करना, हमें ये पता करना है कि दोनों आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, बस इतना पता करना है, क्योंकि परसेंट में आंसर पूछा है तो जो वैल्यू ऊपर दी है 9756 उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखो बेचा गया तो एसपी सेम, फिर उसके बाद कहा है कि इसने दो वाहनों में से एक को 44.44% लाभ पर, यहां पर दो वाहन है, पहले वाहन वाहन को, पहले वाले वाहन को 44.44% लाभ पर बेचा गया है, प्लस लगा दिया मैंने, और दूसरे वाले वाहन को 16.66% की हानि पर बेचा गया है, हानि के लिए मैंने माइनस लगा दिया। अब यहां पर उसने कहा है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये बताइए कि कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने परसेंट हानि हुई होल ट्रांजेक्शन में, होल ट्रांजेक्शन मतलब टोटल में, होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट हमें बताना है भैया, होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट बताना है क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को जब सेलिंग प्राइस समान हो, अगर ये दोनों परसेंट सेम होते, एक लाभ एक हानि होता तो उसके लिए मैं आपको पीछे बता चुका हूं, अगर कॉस्ट प्राइस सेम होते, एक लाभ और एक हानि दोनों समान होते उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम हो और ये दोनों अलग अलग हो उसके लिए अभी मैंने आपको नहीं बताया है। वैसे मैंने आपको जो पहले शुरू में कंसेप्ट बताया था बेसिक, वो कहीं भी आपका फेल नहीं होगा, हर जगह काम करेगा, तो वो जो ट्रिक है वो केवल कहां काम करेगी वो मैंने आपको बता दिया, वो यहां काम नहीं करेगी। यहां आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना है। यहां हम बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से चलेंगे, दोनों आर्टिकलों पर अलग-अलग रिजल्ट देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को जब सेलिंग प्राइस समान हो या कॉस्ट प्राइस समान हो और लाभ और हानि परसेंट अलग-अलग हो तो बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से चलेंगे। 44.44% का लाभ, तो पहले वाले ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन देखेंगे यहां से, तो पहले वाले, पहले हम फर्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं, तो पहले वाले आर्टिकल पर लाभ हो रहा है 44.44% का लाभ हो रहा है। तो देखो आपने ये पता होगा कि 1/9 का परसेंटेज में होता है 11.11%, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है 44.44%, इसका मतलब इसका चार गुना है, तो चार गुना करेंगे तो 4/9, तब ये कितना बनेगा आपका 44.44%, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है 4/9, तो 4/9 और प्लस लाभ है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 9 और 4 को जोड़ दो, 13/9 फ्रैक्शन बनेगा। ये पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की पुरानी क्लासों में सारे जवाब छुपे हुए हैं, जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी वो उन क्लास को देखें तब ये देखें। देखो ये हो गया पहले वाला, हमने पहली वाली वस्तु का निकाल लिया, अब देख लेते हैं दूसरी वाली वस्तु पर, तो दूसरी वाली वस्तु में क्या है, दूसरी वाली वस्तु को हानि पर बेचा गया है 16.66%, तो 16.66% हानि का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा भाई, 16 सही 2/3 1/6 होता है, हानि है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 5/6, ये कितना हो जाएगा भैया 5/6, ठीक है 5/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरे वाले आर्टिकल का आपका सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
अब दूसरे वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5, पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 13, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों आर्टिकलों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका मतलब इसको समान करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 13 × 5 = 65, और जब यहां 5 का किया यहां मैं कर दूं 13 का मल्टीप्लाई तो ये कितना बन जाएगा, 13 × 5 = 65। इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा, 13 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो 13 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा। अब आपके दोनों आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गए। देखो पहले वाले आर्टिकल का, पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 13 × 5 = 65 हो गया। दूसरे पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 9 × 5 = 45। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए, यहां पर देखते हैं। इस फ्रैक्शन को मिटा देता हूं जो मैंने बनाया है, ये तो आपने पता ही है, फ्रैक्शन परसेंटेज में बता दिया, लाभ हानि में तब से चल रहा है, अब तो फ्रैक्शन में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी शुरू से वीडियो देख रहा है तो उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, और जिसने नहीं देखी वो पहले शुरू से देखें बेटा। तो देखो यहां पर 13 × 5, अब इसका निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो 5 × 13 = 13, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 65, और यहां पर करेंगे तो 13 × 6 = 78 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आपसे अगर मैं कहूं कि ये बताइए कि ये रेशियो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा वाला आर्टिकल 16.66% हानि पर उसी का रेशियो है, ये लाभ पर उसी का रेशियो है, सेलिंग प्राइस समान है तो सेलिंग प्राइस समान आ रहा है, अब हमारा रेशियो बिल्कुल सही है। अब हम होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट निकाल सकते हैं, और होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, होल ट्रांजैक्शन के रिजल्ट के लिए हमें टोटल एसपी और टोटल सीपी पता होना चाहिए भाई। तो टोटल एसपी और टोटल सीपी निकालेंगे, तो टोटल सीपी निकालो, होल ट्रांजैक्शन का क्रय मूल्य कितना है, तो टोटल सीपी निकालेंगे तो 45 रुपए सीपी पहली वस्तु का है और 78 रुपए इसका है, तो 8 × 5 = 13, 1 कैरी आ जाएगा और 8 × 4 = 12, 123 रुपए हो गया टोटल सीपी। टोटल एसपी निकालेंगे तो 65 और 65, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो टोटल एसपी हो जाएगा भाई 65 × 130, इसका मतलब खरीद है 123 की और बिक्री है 130 की, तो ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ कि हानि, तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है तो इसका मतलब लाभ होगा। लाभ परसेंट निकालेंगे कितना होगा, तो कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, देखो इधर निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं भैया, यहां से आगे इधर, तो यहां निकाल लेंगे तो 7 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 123 पर, और मल्टीप्लाई 100, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 700 / 123%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा 700 / 123%। ऑप्शन दिए हैं 5.7% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ए ऑप्शन पे है बराबर हो जाएगा 5.7%। कौन से ऑप्शन पे बेटा जी, ए ऑप्शन पे है। तो इस प्रकार से जे जब कभी भी दोनों एसपी दोनों आर्टिकलों के समान हो, पहले वाले पर होने वाला लाभ परसेंट और दूसरे वाले पर होने वाला हानि परसेंट अलग अलग हो, तो आपको फिर बेसिक से ही जाना है, शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं लगानी इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 8th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो वस्तुएं एक ही दाम पर बेची गई मतलब सेलिंग प्राइस समान है, पहली वस्तु को 37.5% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 8.33% हानि पर बेचा गया, यदि इस प्रक्रिया में कुल 8,634 रुपए का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब करने का तरीका, अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका, आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, बेसिक से करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है सेम उसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चले क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चले, तो देखेंगे 8th क्वेश्चन, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस जो है दोनों आर्टिकलों के सेम है, पहले वाले आर्टिकल का और दूसरे वाले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम है। उसमें पहले वाले आर्टिकल को वो कह रहा है दो आर्टिकल हैं, अब मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं, एक आर्टिकल मान के चलो ये है और एक आपका सेकेंड आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल को 37.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, फर्स्ट आर्टिकल को बेचा जा रहा है 37.5% के लाभ पर और दूसरे आर्टिकल को बेचा जा रहा है 8.33% के लॉस पर। बात को ध्यान से समझना, माइनस का मतलब लॉस है। अब बस दोनों आर्टिकलों के एसपीसीपी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले एसपीसीपी निकालेंगे तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, लेकिन लाभ है तो फ्रैक्शन बनेगा 11/8,
ये हो जाएगा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पहले वाले का, और ये हो जाएगा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पहले वाले का, ठीक है। ऐसे यहां पर 8 से ही 1/3%, इसको दूसरे मार्कर से ले लेते हैं, इसको भाई दूसरे मार्कर से ले लेते हैं सेकंड वाले को, तो ये है 8 से ही 1/3% की हानि, हानि की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, लेकिन ये हानि की बात कर रहा है तो हो जाएगा 11/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरे वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन में दोनों के एसपी समान है, तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस 11, दूसरे वाले का भी सेलिंग प्राइस 11, मतलब रेशियो बिल्कुल सही है, सेलिंग प्राइस बिल्कुल समान आ रहा है तो रेशियो सही है। लेकिन हमें होल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकालना है, तो होल ट्रांजेक्शन के रिजल्ट के लिए हमें टोटल एसपी और टोटल सीपी पता होना चाहिए। तो टोटल एसपी देखते हैं, तो टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी कितना है, तो टोटल एसपी हो रहा है 22, लेकिन होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट नहीं पूछा इसमें भैया। इसने कहा यदि इस प्रक्रिया में कुल लाभ 8634 हो, मतलब 8634 इस प्रक्रिया में होने वाला लाभ दिया है। तो देखो यहां पर लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पर 3:1 का लाभ हो रहा है, यहां पर पहले वाले आर्टिकल पर उसे 3:1 का लाभ मिल रहा है और दूसरे वाले आर्टिकल पर उसे 1:1 की हानि हो रही है। देखो 12 की खरीद और 11 की बिक्री, तो 1:1 की हानि, यहां 8 की खरीद 11 की बिक्री, तो 3:1 का लाभ। इसका मतलब यहां पर 3 का लाभ, यहां पर 1 की हानि, हानि, तो टोटल ट्रांजेक्शन पर कितना लाभ हानि हुई, तो आप कहेंगे सर 3 में से 1 को घटा दो तो टोटल ट्रांजेक्शन पर 2:1 का लाभ होगा। उस 2:1 की वैल्यू उसने बराबर दी है 8634। अब उसके बाद पूछा क्या है उसने, उसने कहा है तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है। तो यहां से पहले 1:1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 4, 4 × 3 = 17। एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के लिए कितने रेशियो का मान निकालेंगे, 11:1 का मान, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 4317 और मल्टीप्लाई 11, 11 7 77 7 7, 11 7 18 8 1, 33 और 1 34 3, 11 6 44 और 3 47 4487। 47,487 आपका सी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करेंगे, जब कभी भी पहले वाले आर्टिकल पर होने वाला लाभ और दूसरे आर्टिकल पर होने वाली हानि दोनों अलग अलग परसेंट में हो, तो आपको बेसिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 9th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। तीन वस्तुओं को क्रमशः 18.18% हानि, 20% लाभ और 14.28% लाभ पर बेचा गया, तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य एक समान है, यदि उसने कुल 650 रुपए लाभ कमाया तो तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से आ सकता है, इस बेसिक तरीके से जब हम करते हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बस हमें 1:1 का मान निकालने के लिए कोई ना कोई वैल्यू पता होना चाहिए। तो फिर हमसे चाहे वो सीपी पूछ ले, चाहे एक आर्टिकल का सीपी पूछ ले, जैसे मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, देखो सारी चीजें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इसमें भाई तीन आर्टिकल हैं और कह रहा है तीनों आर्टिकलों के विक्रय मूल्य समान है, तो बस हमें यह बात ध्यान रखनी है कि एसपी जो है वो तीनों आर्टिकलों के सेम है। ये कंडीशन हमें रेशियो बनाने में हेल्प करती है, ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये हमें रेशियो बनाने में हेल्प करती है। तो देखो तीनों आर्टिकलों को मैं लिख लेता हूं, आपका FIRST फर्स्ट आर्टिकल इधर, सेकेंड आर्टिकल में आपका इधर लिख लेता हूं, होल ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं निकाल ही लेंगे, और थर्ड आर्टिकल आपका मैं इधर लिख लेता हूं। ये तीन आर्टिकल हैं, तीनों आर्टिकलों पर सबसे पहले देख लो लाभ हानि, तो पहले आर्टिकल पर है हानि और हानि का परसेंटेज दिया है 18.18%। दूसरे वाले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो दूसरे आर्टिकल पर है लाभ, और कितने परसेंट का लाभ है भाई, तो दूसरे आर्टिकल पर लाभ है आपका 20% का, आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल सॉल्यूशन अलग अलग लिख देता हूं। तीसरे वाले आर्टिकल पर है लाभ और लाभ है आपका 14.28% का, ठीक है, ठीक है भाई, सारी चीजें अलग अलग हैं, तो पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 14.28% का लाभ, तो पहले यहां पर देखो भाई 14.28 हो गया, 1/7 लाभ की बात कर रहा है, तो जोड़ कर लिखेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा 8/7, तो 8/7 में ये हो जाएगा तीसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा तीसरे वाले आर्टिकल का विक्रय मूल्य, और यहां से लाभ कितना रेशियो हो गया, तो आप कहेंगे सर 1:1 लाभ हो गया, +1, ठीक है, +1 का मतलब 1:1 का लाभ।
फिर दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहां पर 20% का लाभ, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5 लाभ है तो जोड़कर लिखेंगे, फ्रैक्शन बनेगा 6/5। ये वाला दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये वाला दूसरे वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2 लिख देता हूं इधर, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर भी लाभ हो रहा है, कितना रेशियो का, 1:1 का। देखते चलना, पहले समझते चलना बातों को, पहले चीजों को समझते चलना भाई। अब आ जाओ इधर पहले वाले आर्टिकल पर, 18.18%, तो ये 9.09 1/11 होता है, ये उसका 2 गुना है तो 2/11 हो जाएगा, लेकिन लॉस की बात कर रहा है तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11। ये हो जाएगा पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब यहां से रेशियो बनाने के बाद यहां पर हानि हो रही है कितने की, 2 की। अब यहां से रेशियो बनाने के बाद कंडीशन पाए जाते हैं, तीनों आर्टिकलों के विक्रय मूल्य समान, लेकिन इसका 8, इसका 6, इसका 9, तीनों की अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सभी विक्रय मूल्यों को समान करना है। तो सभी विक्रय मूल्यों को समान करने के लिए आपको 9 का, 6 का और 8 का एलसीएम ले लेना है। ऐसी संख्या देखनी है जो 9 से भी भाग हो जाए, जो 6 से भी भाग हो जाए और 8 से भी भाग हो जाए। तो देखो वो संख्या, सबसे पहले आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा, 9/72। आप 72 को चेक करके देखिए, सबसे भाग होगा, 9 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, 8 से भी भाग हो जाएगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस को अगर हम 72 मान लें तो इनके कॉस्ट प्राइस क्या होंगे और लाभ हानि क्या होंगे। तो देखो इसको 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 72 बनाने के लिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 8 का यहां करना पड़ेगा तो 8 का यहां भी करना पड़ेगा और 8 का यहां भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 72/6 सेलिंग प्राइस, इसको 72 बनाना पड़ेगा तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो 12 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। बात को समझ लेना भाई। ऐसे ही यहां पर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 8, इसको हमें 72 बनाना है तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 का यहां भी करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो कि एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो उसने कहा है कि यदि उसने कुल 650 रुपए लाभ कमाया, तो यहां पर देखो कुल कितना लाभ कमा रहा है, तो यहां से उसको हो रही है हानि 8 × 16 की, यहां से उसको हो रहा है लाभ 12 × 1/12 का, और यहां से उसको हो रहा है लाभ कितने का, 9 का। तो 9 और 12 कितना हो गया, 21। 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ कितने का हुआ, तो आप अगर यहां से देखेंगे होल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, तो पहले वाले आर्टिकल पर उसे 16:0 की हानि हो रही है, दूसरे वाले आर्टिकल पर उसे 12:0 का लाभ हो रहा है, तीसरे वाले आर्टिकल पर उसे 9:0 का लाभ हो रहा है। तो टोटल लाभ हो गया 9 और 12 = 21, और 16 की हानि को इसमें से घटा देंगे तो ओवरऑल लाभ कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर 5:0 हो गया। इस 5:0 की वैल्यू उसने हमको दी है 650, तो 1:0 का मान कितना आ गया, तो 1:0 की वैल्यू आ गई, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 130। 1:0 का मान 130 आ गया। उसने कहा है तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या होगा, तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी वस्तुओं के क्रय मूल्य देख लो भाई कितने कितने हैं। देखो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, तो पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो सभी का टोटल क्रय मूल्य देख लेते हैं। पहले वाले आर्टिकल का 11,888 है, दूसरे वाले आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है 12 × 5 = 60 है, तीसरे वाले आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है 9 × 7 = 63 है। तीनों आर्टिकलों के क्रय मूल्यों को ऐड कर लेंगे, 8 और 3 = 11, 1 + 7 = 6 = 13, 13 और 8 = 21, 211, और 1:0 का मान कितना है 130। तो टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल सीपी हमारा आ जाएगा 211 × 130। तो 130 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 13, 3, 1, 14, 4, 1, 13, 2, 26 और 1, 27,430। 27,430 कौन सी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 27,430। तो इस प्रकार से चाहे 3 आर्टिकल दे, चाहे 4 आर्टिकल दे, और तीनों चारों पर अलग लाभ हानि कितनी भी दे, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 10th क्वेश्चन।
टेंथ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो टेंथ क्वेश्चन में कह रहा है, तीन वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा गया, विक्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु पर 11 से ही 1/9% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 5% की हानि, तीसरी पर 33.33% का लाभ पर बेचा गया। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34,600 है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने पीछे कराया उसी टाइप का है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखेंगे क्वेश्चन को। आज की क्लास का ये टेंथ क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत टाइप आता है ये रिपीटेड। देखो तीन वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा गया, तो हमें पता चल गया, हमें यहां से पता चल गया कि सेलिंग प्राइस तीनों आर्टिकलों का सेम है। और ये इसका यूज हम कहां करते हैं, इस चीज का यूज करेंगे हम रेशियो को करेक्ट करने में। तीनों आर्टिकलों के सेलिंग प्राइस सेम, तो पहला आर्टिकल मान लेते हैं ये है, ऐसे ही सेकेंड आर्टिकल मान लेते हैं ये है, ऐसे ही थर्ड आर्टिकल मान लेते हैं ये है। पहले वाले आर्टिकल पे क्या कह रहा है, तो पहले वाले आर्टिकल पर 11 से ही 1/9% का लाभ है, 11 से ही 1/9% का लाभ। तो पहले वाले आर्टिकल को बेचा गया है 11 से ही 1/9% लाभ पर। ठीक है, तो 11 से ही 1/9% लाभ का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/9, और लाभ है तो बनेगा 10/9। ये पहले वाले आर्टिकल का क्रय मूल्य हो जाएगा, ये पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाले आर्टिकल में क्या कह रहा है, ये सेकंड वाले आर्टिकल में कह रहा है 37.5% की हानि, दूसरे आर्टिकल को 37.5% हानि पर बेचा गया है, तो -37.5% का मतलब कितना हो गया, 3/8। हानि की बात कर रहा है तो घटा कर लिखेंगे 5/8, ये दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आगे। उसने कहा है 33.33% लाभ, 33.33% का लाभ, तो लाभ की बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 33.33%, 33 से ही 1/3% लाभ का फ्रैक्शन बनेगा 4/3। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर देखो, यहां पर तो लाभ हो रहा है कितने का, एक का। यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर एक का लाभ हो रहा है। यहां पर देखें तो आठ की चीज को पांच में बेच रहा है, तो हानि हो रही है कितने की, तीन की। ऐसे यहां पर देखो तो नौ की चीज को दस में बेच रहा है, तो यहां पर लाभ हो रहा है कितने का, लाभ हो रहा है, तो यहां पर देखेंगे तो लाभ हो रहा है एक का। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है। तो पहले तो कंडीशन देखो, पहले कंडीशन में दिया है कि सेलिंग प्राइस समान है, तो भैया पहले सेलिंग प्राइस को समान करना पड़ेगा। यहां पर 10 है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 10 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। 20 5 से भी भाग हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसका मतलब इनको 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले वाले आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अब देखो आप कितने हो जाएंगे। तो पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 9 × 2 = 18 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 20 और लाभ कितने का हो जाएगा यहां पर, 2 का। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ दूसरे वाले पर। सेकेंड वाले को देखेंगे तो सेकेंड वाले में 5, लेकिन इसको 20 बनाना है भाई, तो 20 बनाना है तो इसका मतलब 5 को 20 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 का यहां भी करना पड़ेगा, 4 का यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां से निकालेंगे दूसरे वाले आर्टिकल का क्रय मूल्य और रेशियो, दूसरे वाले आर्टिकल के विक्रय मूल्य का रेशियो बनाएंगे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 × 32 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपका 5 × 20 हो जाएगा। तो यहां पर लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 12 का लॉस हो गया, यहां पर 12 का लॉस हो गया और यहां पर आपका प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 का। अब आ जाओ इस पर, तो यहां पर क्या है, यहां पर 4 आ रहा है सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है 20 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 से यहां करेंगे तो मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, तो तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रेशियो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा तीसरे आर्टिकल का, 15 और रेशियो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20। तो यहां पर लाभ हो जाएगा, कितने का लाभ हो जाएगा, 5 का। अब देखो यहां पर 5 का लाभ,
यहां पर 2 का लाभ, यहां पर 12 की हानि। 1:1 का मान निकालने के लिए क्या दिया है? तो 1:1 का मान निकालने के लिए उसने कहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34,600 है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रेशियो 20 की वैल्यू उसने हमें दी है। 20:1 की वैल्यू बराबर दी है 34,600 की। 1:1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1:1 की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 से 1 बार, यहाँ पे बचेगा 2, 7, 14 और 2, 3, 6, 1730। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बताइए कुल लाभ या हानि कितने रुपए होगी। तो देखो यहाँ पर 2 का लाभ और 5 का लाभ, 7 का लाभ, 12 की हानि, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, लॉस। कितने का लॉस होगा ये निकालेंगे, तो 12 में से 7 को घटा देंगे, 5 का लॉस। 1:1 का मान कितना है 1730, 15 × 1730, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना जाएगा 0, 5, 15, 5, 1 और 85 और 1, 8,650 रुपए का लॉस। 8,650 रुपए कौन से ऑप्शन पे है, 8,650 रुपए का लॉस दिया है आपको, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बस वैसे वैसे करते चलना है और कुछ नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सेम जो पीछे क्वेश्चन करा है उसी की तरह है। 3 आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस सेम है, अलग अलग उन पर लाभ परसेंट हानि परसेंट दिया है, अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। यहां से अगर वो मुझसे ये भी पूछे पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य बताइए तो 18:1 का मान निकाल लूंगा, पहले दूसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य निकालिए तो 32:1 का मान निकालूंगा, तीसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य बनाइए तो 15:1 का मान निकालूंगा, पहली आर्टिकल पर होने वाला लाभ बताइए तो 2:1 का मान निकाल लूंगा, दूसरे आर्टिकल पर होने वाली हानि बताइए वो भी निकाल लूंगा, तीसरे आर्टिकल पर होने वाला लाभ बताइए वो भी। मतलब यहां से मैं कुछ भी निकाल सकता हूं अगर मुझे 1:1 का मान पता लग गया कि 1:1 का मान 1730 है जिसके लिए उसने सेलिंग प्राइस दिया है 34,600। 1:1 का मान पता करते ही मैं तीनों आर्टिकलों का टोटल ट्रांजेक्शन यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जब आंसर निकालने की बात आती है तो हम ये देखते हैं 1:1 का मान निकालने के लिए दिया क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो पूछा है उसका रेशियो में मान कितना है और उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर कितना गया 8,650 लॉस। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 11th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो 4 वस्तुएं एक्स वाई जेड डब्ल्यू को क्रमशः 14.28% हानि, 12.5% लाभ, 15/5/13% लाभ पर और 9.09% हानि पर बेचा गया। चारों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। यदि कुल लेन देन में 100 रुपए की हानि होती है तो वस्तु एक्स और वस्तु डब्ल्यू के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है वो यही हेल्प करेगा, चाहे क्रय मूल्य पूछ ले, चाहे क्रय मूल्य का अंतर पूछ ले, चाहे ट्रांजेक्शन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि हम सारे रेशियोज हमारे सामने होते हैं, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा आज की क्लास के 11th क्वेश्चन पर। इसमें 4 आर्टिकल हैं। 11th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 आर्टिकल हैं। अब सेलिंग प्राइस सेम है ये हमें पता है, उसने कहा है चारों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस चारों आर्टिकलों पर अलग अलग रिजल्ट देख लेते हैं। तो 4 वस्तुएं कौन सी हैं, एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु वाई है और एक वस्तु जेड है और एक वस्तु डब्ल्यू है, ये 4 वस्तुएं हैं। चारों वस्तुओं पर अलग अलग देख लेते हैं। तो पहली वाली वस्तु पर 14.28% की हानि है, पहली वाली वस्तु पर 14.28% हानि है, 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, हानि की बात कर रहा है तो फ्रैक्शन बनेगा 6/7। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली वस्तु पर 12.5% का लाभ है, सेकंड आर्टिकल पर 12.5% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो 1/8 और प्रॉफिट है तो 8 और 1, 9/8। भाई सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य का रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तीसरा आर्टिकल है आपका जेड, जेड पर 15/5/13% का लाभ है, जेड पर है लाभ 15/5/13% का लाभ दिया है। तो देखो ये 5/5, अगर हम 1/13 के फ्रैक्शन की बात करें, देखो इधर समझा देता हूँ, 1/13 के फ्रैक्शन की बात करें तो 1/13 का फ्रैक्शन होता है 7/9/13, अगर हम इसका 2 गुना कर दें तो देखो ये हो जाएगा 7×2=14 और 18 में एक बार और चला जाएगा, 15/5/13 फ्रैक्शन जो है 1/13 का 2 गुना है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/13, लेकिन ये लाभ है तो 13 में 2 को जोड़कर 15/13 तीसरे वाले आर्टिकल के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। ऐसे अब हम चौथे वाले आर्टिकल की बात करते हैं, फोर्थ वाले आर्टिकल पर उसने दिया है 9.09% की हानि, 9.09% का फ्रैक्शन मान होता है 1/11, तो यहां पर हानि है 9.09
0.09%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 है, हानि की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10/11। तो ये जो है 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, जो 11 है आर्टिकल का क्रय मूल्य है। ऐसे यहां पर 15 13 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब उसके बाद उसने कहा है कि चारों वस्तुओं के विक्रय मूल्य एक समान है, चारों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस समान है, लेकिन यहां पर सेलिंग प्राइस आ रहा है 10, यहां पर सेलिंग प्राइस आ रहा है 15, यहां पर सेलिंग प्राइस आ रहा है 9, यहां पर आ रहा है 6। ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हमें ऐसा वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, 9 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं तो देखो, अगर मैं 9 का मल्टीपल 90 ले लूं तो 90 आपका 6 से भी कटेगा, 90 आपका 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस को 90 बना लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस को 90 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 छक्के 90, 6 का 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 का मल्टीप्लाई यहां, तो 15 का यहां भी करना पड़ेगा। तो पहले वाले आर्टिकल का, पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, बात को ध्यान से समझना भैया, और पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 35 और पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90। ठीक है, लाभ देखेंगे यहां पर, देखेंगे 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। भाई ये जो क्रय मूल्य है वो 105 होगा प्यारे विद्यार्थियों, गलती से हो गया कैलकुलेट, 105। तो इसका मतलब यहां पर हानि होगी कितने की, 15 की। मैं रिजल्ट भी साथ के साथ कैलकुलेट करता चल रहा हूं। ऐसे ही अब आ जाते हैं दूसरे वाले आर्टिकल पर। तो दूसरे वाले आर्टिकल को अगर 90 बनाना है तो यहां पर 90 जो सेलिंग प्राइस है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 का यहां भी करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल हो जाएगा 8 × 10 = 80, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 9 × 10 = 90, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहां से प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 10 का। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यहां पर करेंगे तीसरे वाले आर्टिकल का। 15 एसपी है लेकिन इसको 90 बनाना है, तो 15 × 90, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 का यहां भी करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड आर्टिकल रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड आर्टिकल आ जाएगा आपका 13 × 78 और 15 × 90। देखते जाओ सेलिंग प्राइस समान होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, होता जा रहा है। पहले वाले का 90, दूसरे वाले का भी 90, तीसरे वाले का भी 90, कंडीशन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। यहां पर भी 90 बनाना पड़ेगा तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर्थ आर्टिकल रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्थ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 99 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 90। अब देखो सभी में, यहां पर देखें तो यहां पर हानि हो रही है कितने की, 9 की। यहां पर देखें तो लाभ हो रहा है कितने का, 12 का, और यहां पर देखें तो 10 का लाभ, यहां पर 15 की हानि। अब देखो, अब सारी चीजें स्पष्ट हैं। पहले आर्टिकल को 105 में खरीदा गया, 90 में बेचा गया, 15 की हानि हुई। दूसरे आर्टिकल को 80 में खरीदा गया, 80 में खरीदा गया, 90 में बेचा गया, 10 का लाभ हुआ। तीसरे आर्टिकल को 78 में खरीदा गया, 90 में बेचा गया, 12 का लाभ हुआ। चौथे आर्टिकल को 99 खरीदकर 90 में बेचा गया, 9 की हानि हुई। अब उसके बाद इतना करने के बाद हमें सबसे पहले यह देखना है कि एक रेशियो का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया है। तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए उसने कहा है कि कुल लेन देन में 100 रुपए की हानि होती है। यहां पर देखो कितने की हानि हो रही है भैया, कुल लेन देन में 100 रुपए की हानि की बात कराए तो 15 और 9 = 24 की हानि, और लाभ कितने का है, 22 का। तो इसका मतलब ओवरऑल 2 रेशियो की हानि हो रही है। 2 रेशियो की वैल्यू बराबर है 100 रुपए के। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई, 2 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 50 रुपए। अब हमसे ये कुछ भी पूछ ले हम सब बता देंगे। जो अब उसने पूछा क्या है, x वस्तु x और वस्तु w के क्रय मूल्यों का अंतर बताइए। तो वस्तु x का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 105, और वस्तु w का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 99। 99 और 105 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 50 × 6 = 300 रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना भाई, 300 रुपीज। 300 कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो दिया है उससे हम रेशियोज बना लेंगे, रेशियो बनाने के बाद जो पूछा है, जो हमसे पूछा है वहां पर एक रेशियो की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 11 क्वेश्चन देखे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे आधारित थे। और मैं पहले ही बताया, ये जो टाइप है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से और डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।